रामायण तो हम सबने टीवी में बचपन में बहुत देखी होगी, बहुत उन्हें पढ़ी भी होगी, लेकिन आज मैं आपको राजकोट की एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पे रामायण की मुख्य घटनाओं को मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वेलकम टू गुजरात, फर्स्ट एवर राम मंदिर। तो इस गेट का आर्किटेक्चर ही काफ़ी एपिक है। इस गेट को धनुष का आकार दिया गया है जो कि काफ़ी क्रिएटिव है। साथ ही साथ यहाँ से जो तीर निकल रहा है वो गेट की दूसरी तरफ जा रहा है, और इस गेट का जो कलर है सैफरन कलर, वो एक इसको ब्यूटीफुल फिनिश दे रहा है। तो ये है रामवन के अंदर का व्यू। आते ही हमको यहाँ पे मैप दिया गया है। इस मैप में दिखाया गया है कि हमको यहाँ पे 22 स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे और इस रामवन का 25 पार्ट्स है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स घूमेंगे और 22 स्कल्पचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हर एक स्कल्पचर के हिसाब से पाथ को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि इस पाथ का नाम है राम पाथ, क्योंकि ये वाला पाथ सीधा हमको राम जी के स्टैचू की तरफ ले जाता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन श्री राम जी की मूर्ति ठीक मेरे पीछे है। तो ये है यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन श्री राम जी का स्टैचू, और इस स्टैचू की हाइट है 30 फीट। एक नॉर्मल इंसान की हाइट 5 से 6 फीट होती है, तो आप सोच सकते हो कि ये मूर्ति कितनी बड़ी है। तो ये स्टैचू सही में बहुत शानदार है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, राम जी का फेस, उनके हाथ में धनुष, हाथ के अंदर वेन्स, उन्होंने रुद्राक्ष की जो माला पहनी है वो, इन सब में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की गई है। तो राम जी के स्टैचू के ठीक सामने एक सेल्फी पॉइंट दिया गया है जहाँ से आप अपनी सुंदर सी प्यारी प्यारी फोटो खींच सकते हैं। तो राम जी के स्टैचू से कुछ ही दूर यहाँ पे केवट मिलाप का स्कल्पचर है ठीक मेरे पीछे। और ये स्कल्पचर वनवास के दौरान का है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पे छोटे छोटे सुंदर से फ्लावर्स है यहाँ पे, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप इन झाड़ियों में मत जाना। हम जब आए थे तब हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली थी कि झाड़ियों में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स बहुत है, बहुत मतलब बहुत। यहाँ पे पीछे बोर्ड भी लगाया है कि झाड़ियों में नहीं जाना है क्योंकि स्नेक्स यहाँ पे बहुत है। और नल पथ पर है ये वॉच टावर, यहाँ से आपको पूरा का पूरा रामवन दिख जाएगा। अगर आप कभी रामवन आओ तो 2-3 घंटे निकाल के आना, क्योंकि ये पूरे 47 एकर्स में फैला हुआ है, तो आपको टाइम तो लगेगा इसको घूमने में। अगर आप बहुत थक गए हैं और आपको थोड़ी देर आराम करना है तो यहाँ पे बैठने के लिए रामवन में पूरी जगह ऐसी बेंचेस बनाई गई है। ऐसी बेंचेस कुल 120 है और सारी की सारी इसी स्टाइल में, ताकि आपको एक एंशंट एक्सपीरियंस दे सके यहाँ का। बैठने के लिए बेंचेस तो है ही, लेकिन समझ लो धूप बहुत ज़्यादा है या तो बारिश हो रही है, तो बैठने के लिए यहाँ पे अलग अलग जगहों पर गजेबो भी बनाए गए हैं। टोटल यहाँ पे 7 गजेबो है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं।
तो ये है हनुमान जी का स्कल्पचर। जैसे कि हम सबको पता है कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उनके लिए औषधि लाने के लिए हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, ये उसी का स्कल्पचर है। यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट दिया गया है जहाँ पे खड़े होके आप अपनी फोटो खींच सकते हैं, वो ये है। तो ये है एमपी थिएटर और इसके स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। इसकी कैपेसिटी 150 लोगों की है ताकि मेरे जैसे सेलिब्रिटीज जब आए जगह की कमी ना पड़े। पीछे का भी दिखाना था। अगर आपका कुछ खाने का मन हुआ और आप साथ में कुछ लाए नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये फूड कोर्ट मौजूद है, इसके अंदर आपको जो मर्जी हो वो खा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे दो फूड कोर्ट है तो खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है रामवन की दूसरी लेक, ये पूरे 1.35 एकड़ में फैली हुई है। फिलहाल तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन बाद में यहाँ पे डक्स वगैरह रहेंगी और इसको और सुंदर भी किया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा बाद में। तो ये है रामवन का दूसरा वॉच टावर, फिलहाल हम जिस पे चढ़े हुए हैं। ये वाला थोड़ा पिछले वाले कंपैरिजन में ऊंचा है, यहाँ से पूरा का पूरा रामवन दिख रहा है हर एक जगह, और इस वाले वॉच टावर से आजी डैम भी दिखता है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक रामवन खुला नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़े बहुत काम अभी भी और बाकी है। जन्माष्टमी के आसपास ये खुल जाएगा तब आप आ सकते हैं यहाँ पे। और आप जब आए तो एक बात का ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लास्टिक अलाउड नहीं है, साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक को प्रोहिबिट कर दिया गया है। और आप जब यहाँ पे आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना, कहीं पे कचरा मत छोड़ देना क्योंकि ये हमारे लिए बनाई गई है और हमारी जवाबदारी होती है इसको साफ़ रखना, तो कृपया यहाँ पे कचरा मत फैलाना। और एक बात, रामवन में 60,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ पेड़ों के 55 से 60 स्पीशीज़ हैं जो कि काफ़ी कमाल की बात। फिलहाल तो ये पेड़ अभी छोटे हैं लेकिन कुछ साल बाद जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तब रामवन सही में वन जैसा लगेगा। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ मिहिर के साथ, अब ये मिहिर से रिव्यू लेते हैं कि अभी तक उसको रामवन कैसा लगा। पहले तो ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे जैसे कि आपने रामायण पढ़ा होगा सबने, तो यहाँ पे रामायण के सब इम्पोर्टेंट जो चैप्टर उसमें जो बता रहे हमको वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई है, उन सब चीज़ों का स्टेचूज भी इधर बनाए हुए हैं, तो अगर आपको सब चीज़ें जाननी हो तो आप आ सकते हैं इधर देखने। यहाँ पे लैम्प्स भी सोलर पैनल वाले हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया गया है यहाँ पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ रामवन की दूसरी सबसे बड़ी अट्रैक्शन पे जो कि है ये गरुड़ का स्कल्पचर। तो गरुड़ की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी, जब रावण माँ सीता का हरण करके उनको ले जा रहा था तब इन्होंने उनको बचाने की कोशिश की थी लेकिन उस दौरान ये मारे गए, लेकिन इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी का काम किया था।
पहले जहाँ हम गए थे वो था लेक टू, अभी हम आए हैं लेक वन में, और लेक वन के अक्रॉस एक ब्रिज बना हुआ है तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये है राम सेतु ब्रिज। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत से लंका तक के बीच में समुद्र आता है, उसी समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना ने पत्थरों से लंका तक पुल बनाया था। अब यहाँ पे तो समुद्र जितना गैप है नहीं, लेकिन राम सेतु ब्रिज ज़रूर है। तो फिलहाल तो इस तालाब में कुछ है नहीं, लेकिन जब ये खुल जाएगा तब यहाँ पे और भी अलग अलग पक्षी होंगे, तो फिर इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी उससे। तो यहाँ राम सेतु के साइड में एक और ओवरफ्लो ब्रिज बना हुआ है, और इस ओवरफ्लो ब्रिज के साइड में एक छोटा सा शेर भी है दोनों तरफ, और यहाँ सांप भी बने हुए हैं। तो पूरा का पूरा एक जंगल लुक देने की कोशिश की गई है। ये एक दूसरे टाइप का गजेबो है, इसमें बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ चिल्ड्रंस प्ले एरिया जो कि ठीक मेरे पीछे है। सूर्य नमस्कार के डिफरेंट डिफरेंट पोजेस के स्कल्पचर्स बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हो श्री राम जी और माँ सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और श्री राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा है। ये पूरा का पूरा रामवन राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसे बनाने में सही बोलूँ तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और रामायण की जो मुख्य घटनाएँ हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बताई गई है स्कल्पचर्स के द्वारा। तो मेरी राय में अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ज़रूर आओ, बहुत अच्छी जगह है। तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। इस व्लॉग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राम वन के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।